नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉबी 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके टॉप आपके 77 क्वेश्चंस आप ऐसी वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि 777 क्वेश्चंस की ये सीरीज थी जो आपकी आज पूरी हो जाएगी। तो हम 77 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन बटन को ऑन कर ले, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस के रिलेटेड सारे आसाम टाइप के होते हैं ग्रुप डी ओ, सारे के सारे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो टॉप 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज में हम 777 क्वेश्चन आज पूरे कर चुके होंगे। तो 777 क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे देता है, तो सौंपेगा तो आपके उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसे सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस्तीफा सौंपेगा किसे, उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 702, किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीटें, तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में 80 सीटें हैं लोकसभा की। भगवान बुद्ध का महावीर के भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान महावीर का जन्म आपकी कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था, कहाँ हुआ था, कुंडाग्राम वैशाली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 704, चौथी बौद्ध कैंसिल कब और कहाँ के संरक्षण में हुई, तो आपके 98 AD कुंडल कश्मीर के कनिष्ठ में हुई थी, कहाँ हुई थी, 98 AD कुंडल कश्मीर कनिष्ठ में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 705 नंबर, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है, कितने 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी डिग्री पर आपने झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, कितनी है, 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपका 0.03% है, कितनी है, 0.03% है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस याद रखना नाइट्रोजन पाई जाती है। ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई आपकी 1.67 मीटर होती है, कितनी 1.67 मीटर होती है। भारतीय पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ स्थित बढ़ता है, तो भारतीय पशुओं का सबसे बड़ा मेला आपका सोनपुर बिहार में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, सोनपुर बिहार में बढ़ता है। 38वीं पैरल किन दो देशों को बांटती है, तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है, 38वीं पैरल उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है, किन दो देशों को बांटती है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अष्टदायी किसने लिखी, तो अष्टदायी आपकी पाणिनि ने लिखी थी, किसने लिखी, पाणिनि ने अष्टदायी लिखी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 712 नंबर, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध कैंसिल कब कहाँ और किसने संरक्षण में, तो तीसरी बौद्ध कैंसिल आपका 250 BC में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में थी, कहाँ, आपके 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र के अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ और किस भाषा में लिखी गई, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, किस धर्म का ग्रंथ है, पाली में, पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध धर्म का। भारतीय पर्याय द्वीप का क्या नाम है, तो भारतीय पर्याय द्वीप का आपका डक्कन का पठार, क्या नाम है, डक्कन का पठार भारतीय पर्याय द्वीप का नाम है, कौन सा है, डक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 716, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, गुजरात से गोवा तक आपका कोंकण कहलाता है, क्या कहलाता है, कोंकण रेलवे, सुना नहीं है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण रेलवे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है, कितने, 324 द्वीप है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 718, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, तो आपका धर्म निरपेक्ष और समाजवादी, कौन कौन से, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द थे वो आपके संविधान संशोधन जुड़ेगी। एक रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो एक रुपये के नोट पर आपके सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, किसके, सचिव वित्त मंत्रालय के। बाकी नोट पर किसके होते हैं, तो भारतीय रिजर्व गवर्नर के,
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। संसद के दो सत्र के बीच में अधिकतम अवधि कितनी होती है? संसद के दो सत्र के बीच में अधिकतम होती है 6 मास की होती है, यानी 6 महीने की होती है वही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 721। ऋतु सहार कुंभ कुमार शंभु रघुवंश किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। ये सब किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 722। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 723 आता है महाबलीपुरम रथ मंदिर किसने बनाया था? महाबलीपुरम रथ मंदिर आपके पलवर के राजा नरसिंह ब्रह्म ने बनाया था। किसने बनाया था? नरसिंह ब्रह्म ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 724। भारत में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। कितने पर? 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, 726 नंबर क्वेश्चन। बड़ी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किसके खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है ये शब्द सारी, ठीक है ना। गोल्फ तो मेरे को भी नहीं खेलना आता यार। सांबर झील किसके नमक बना? सांबर झील से जिससे नमक बनता है किस राज्य में? तो राजस्थान में स्थित है सांबर झील। बहुत ही भाई खारा नमक बनता है यहाँ पर। वैसे नमक खारा होता है पर ये खाने योग्य नहीं है। गुलाब वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरकर मृत्यु प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो घोड़े से आपका पोलो खेलते हुए आपका मृत्यु को प्राप्त हो गया था। गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद आपके जयदेव ने लिखी थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया? तो चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो का मंदिर बनाया। किसने? चंदेल वंश के शासक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपका 1336 में हरिहर एवं बकुबा ने की थी। किसने की? हरिहर और बकुबा में की थी। गना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो गना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। साइबेरियन क्रेन आते हैं भाई, साइबेरियन क्रेन आते हैं आपके, बहुत सारे पक्षी आते हैं साइबेरिया से। भारत के जंगली गद्दे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं जंगली गद्दे। गद्दे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। मिन्स कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो आपका ओल्डअप हिटलर की जीवनी है मेरा संघर्ष। हिटलर की जीवनी है मेरा संघर्ष। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल आपकी कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महमूद गजनवी की सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? अपन आपके 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। 733 नंबर कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडू के लिए प्रसिद्ध है? तो काचीरंगा अभ्यारण्य आपके एक सींग वाले गेंडू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काचीरंगा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक पुस्तक आपको प्लेटो ने लिखी थी। किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक पुस्तक। तैमूर लंग दिल्ली को कब लूटा था? तैमूर लंग दिल्ली को आपका 1398 में लूटा था। कब लूटा था? 1398 में लूटा था। क्वेश्चन नंबर आता आपका 740 नंबर। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 में आपके 28 के अगस्त परिणाम हॉलैंड में ओलंपिक खेल हुआ था, वहाँ पर आपका हॉकी को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। शेरशाह सूरी कहाँ के दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी आपका सासाराम बिहार में दफनाया गया था। कहाँ दो गए? सासाराम बिहार में दफनाया गया। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने आपने न्यूटन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 744। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म है भाई। अजमल अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अजमल अली खान आपका सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसप्पा के सर्वाधिक नदी पर है कर्नाटक में, यानी गोरसप्पा जो सर्वानी नदी के कर्नाटक में स्थित है वो आपका जलप्रपात सबसे ऊंचा है।
चंद्रमा पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आपकी 38,500 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा पृथ्वी से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ये साइंस का क्वेश्चन और बहुत बार आपके रेलवे में पूछा जाता है। विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो आपका वेलिंगटन सिटी आपका विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खानें कहाँ स्थित है? तो भारत में सोने की खानें आपके कोलार कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलार कर्नाटक में स्थित है भाई। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। सूर्य पर प्रकाश चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो भाई 8 मिनट का समय लेता है, 8.20 मिनट का समय लेता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस में प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। नील नदी का उपवारक देश कौन सा है? तो नील नदी का उपवारक देश आपका मिस्र है। कौन सा है? मिस्र है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 755 नंबर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। घना देश पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट आपका, गोल्ड कोस्ट आपका घना देश का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो तबला से आपका संबंध है, तबला से आपका है उस्ताद जाकिर हुसैन खान। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज आपके 1492 में आपका कोलिस्टर्ट कोलंबस ने की थी। किसने की थी? 1492 में कोलिस्टर्ट कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया? तो आपका वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। किसमें? 1896 में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना, सापेक्षता का सिद्धांत किसकी ने खोज किया था? खोजा था आपका सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खरीदा था। किसने? आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो वायुयान की खोज आपका ओलिवर और विकीवर और राइडन बंधु ने की थी। ओलिवर और विकी विलीवर राइडन बंधु ने की थी आपका वायुयान की खोज। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने आपका प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, जो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 763, सात फाड़ियों का नगर कौन सा है? तो सात फाड़ियों का नगर आपका रोम है। कौन सा है? रोम आपका सात फाड़ियों का नगर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संघ सभा को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में कब मनाया गया? तो संघ सभा को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में 22 मार्च 1857 को अपनाया गया। 22 मार्च 1857 को आपका संघ सभा पंचायत के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, रेडियो रेडियम की खोज किसने की? तो आपका पियरी और मेरी क्यूरी ने आपका रेडियम की खोज की थी। पियरी और मेरी क्यूरी ने आपके रेडियम की खोज की थी। ये नाम ऐसे हैं कि आपको एक बार में तो बोले ले जाते। कितनी ऊंचाई पर जाने के तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। किस ग्रह के चारों ओर विलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर एक विलय है। विश्व के सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI है, जो सर्वाधिक शाखाएं विश्व में रखता है भाई। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड आपका सफेद हाथियों का देश है। कौन सा है? थाईलैंड आपका सफेद हाथियों का देश है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। सन 1933 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चिरंजी दास और मोतीलाल नेहरू ने आपका 1923 में आपका जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर आता है 733, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लिख लेना भाई, ये बता रहा हूँ अभी आपको। अगला क्वेश्चन आता है आपका, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तानजिंग मार के भारत और एडमंड हिलरी आपका न्यूजीलैंड के थे, दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे भाई। पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 776, अमेरिका पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन आपके अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। 777 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है भाई,
जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो ये आपके 777 क्वेश्चन आपके मैंने पूरे करा दिए हैं। आगे आगे आने वाले 10,000 क्वेश्चन आपको पूरे कराऊंगा। तो प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि यह क्लास खत्म होते ही आपको सारी की सारी PDF यानी सारा का सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर ऐसे के ऐसे डाल दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम मेरे भाइयों।